कहते हैं अमीरी पैसों से नहीं दिल से होनी चाहिए। याचच एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे नवी मुंबईतील 43 वर्षीय ऑटो रिक्षा चालक संतोष गायकवाड। संतोष गायकवाड यांनी ऑटो रिक्षा चालवण्याच्या व्यवसायातून स्वतःची एक वेगळीच ओळख निर्माण केली आहे। सामान्य ऑटो रिक्षा चालक ते एक असामान्य हटके ऑटो रिक्षा चालक असा त्यांचा प्रवास खास आहे। ऑटो रिक्षा चालवण्यासोबतच ते गेल्या 16 वर्षांपासून ते त्यांची सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहेत। अपंग व्यक्तींसाठी ते नेहमीच मोफत सर्व्हिस देतात। 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त सर्व महिलांना मोफत प्रवास देतात। तसेच त्यांनी रिक्षात वाचनालय तयार केलं आहे। यामध्ये ते रोज वर्तमानपत्र प्रवाशांना वाचण्यासाठी ठेवतात। रिक्षामध्ये ते शुद्ध पाण्याची सुविधा देखील पुरवतात। या सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करता नुकतेच त्यांचे नाव लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाले आहे। सामाजिक बांधिलकी जपत प्रवाशांना सुखसुविधा पुरवणाऱ्या ऑटो रिक्षा चालक संतोष गायकवाड यांना नवी मुंबई आवाज सलाम करते व त्यांना नवी मुंबई आवाज अचीवर्स द अनकॉमन सिटीजन पुरस्काराने गौरविण्यात येत आहे। संतोष गायकवाड जी, महापौर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संतोष जी को अवार्ड प्रेजेंट करें। नमस्कार, मैं हूँ संतोष गायकवाड़। गए 16 साल से हमने ये सामाजिक सेवा कर रहे हैं। हम कोई चलते रहा, कोई अपाहिज मिला तो हम उनको फ्री में छोड़ते। हमारी दादी की याद में मैंने ये कार्य चालू किया था। हमारी दादी अपाहिज थी, वो गुजर जाने के बाद कोई भी पैसेंजर मुझे कोई ऐसा अपाहिज दिखाई दिया तो मैं ऐसा लगता था कि मेरी दादी उसमें दिखती है, और हमें ऐसा लगता था कि भाई उनको भी फ्री में छोड़ा जाए। अपाहिज को फ्री छोड़ने के साथ साथ ऑटो रिक्शा में अपना सोशल लाइब्रेरी यानी कि वाचनालय हमने ओपन किया है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी न्यूज़पेपर रखा जाता है। उसी के साथ साथ हम पानी का जो टैंक हमने बिठाया, पैसेंजर को गर्मी के सीज़न में प्यास लगती है और ये प्यास बुझाने के लिए पैसेंजर लोग पानी मांगते हैं, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना हम एक पानी का बॉटल रिक्शा में बिठाया जाए। 20 लीटर का हमने बॉटल बिठाया और उसको पाइपलाइन करके हमने यहाँ पे नल बिठाया। वो नल के माध्यम से हम पैसेंजर को गिलास से पानी पिलाते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने भी हमारा मतलब उधर हमारा नाम आ गया है, दर्ज हो गया है। उसी के साथ साथ हमें पुलिस वाला जो ट्रैफिक पुलिस है, आरटीओ है, अपने सामाजिक संस्था जो है, उन लोगों ने बहुत से अवार्ड हमें मिले हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी अच्छा लगता है उसके आगे भी चल के हम कुछ अच्छा कार्य कर सके। उसी के साथ साथ हम आरोग्य शिविर, हेल्थ चेकअप शिविर का भी आयोजन करते हैं। नशा मुक्ति के बारे में भी उसका शिविर का आयोजन करते हैं। रोड सेफ्टी का प्रोग्राम हम लेते हैं। बहुत से हम अभी 4-5 साल से हम रोड सेफ्टी का ही प्रोग्राम ले रहे हैं। उसी के साथ साथ नशा मुक्ति का ले रहे हैं। अपन दूसरा जो महिला दिन रहता है, 8 मार्च महिला दिन, वो महिला दिन में हमारा ऑटो फ्री रहता है।
यानी कि हम महिलाओं को फ्री में छोड़ते हैं।